अबे यार हेलो नमस्ते व्हाट इज अप इट्स योर बॉय सौरभ हियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जबकि सबको पता है कि अभी लॉकडाउन 3 चालू हो चुका है एंड वी आर नॉट एबल टू गो आउट। एरिया में तो घूम सकते हैं ऑफकोर्स, बट वी आर नॉट एबल टू गो आउट। सो टुडे एज यू कैन सी मेरे बाल भी बढ़ गए हैं एंड इट्स लाइक यू नो एंटीना निकल चुका है। इधर से देखिए एंटीना निकल रहा है एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर मेरे कर्ली बालों को अभी मैं स्ट्रेट कर दूँ। सो आज का प्लान है बेसिकली मैं अपने बालों को स्ट्रेटन करने जा रहा हूँ घर पे विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड रोहित। जस्ट शो मी योर फेस। आओ ब्रो चलो हेल्प वो करेगा एंड आई जस्ट स्ट्रेटन माई हेयर। ओके दिस लुक्स रियली बैड मैन। ओके सो वही है, आज हम स्ट्रेटन करेंगे मेरे बालों को। फिर हम थोड़ी देर बाद ऐसे दोपहर को हम लोग घूमने जाएंगे गोल्फ रिंग्स, जो कि एक शिलोंग का लैंडमार्क है और मेरे घर के पास ही में है। सो आई जस्ट शो यू एवरीथिंग। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुडेस व्लॉग गाइस। सी या। बालों को वॉश कर लिया है एंड देन आई हैव डन विद माय कंडीशनरिंग एक्सेट्रा। सो अभी हम क्रीम लगाएंगे। एज यू कैन सी बहुत ही कर्ली बाल है मेरे, लाइक टू मच। So we're gonna straighten this whole upper part. Rohit is gonna help me applying the whole, you know, solution. Yeah, बोलते cream, yeah, smoothing cream. और ये देखिए हमारा middle class mind बचाने के लिए। नहीं next time अगर वापस बाल straight करूँगा तो I'll just save it and bottle में रख दे रहा हूँ। देखिए मेरे बालों को, इट लुक्स क्वाइट स्वीट राइट नाउ। सो अभी हम 20 मिनट के लिए टाइमर रखेंगे, बाय द टाइम आई विल प्ले ऊनो। सो या आई सी यू। सो या गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे बाल स्ट्रेट हो रहे हैं एंड देन वी आर प्लेइंग उनो। सो 20 मिनट का टाइमर रख दिया है एंड या लेट्स जस्ट कीप ऑन वेटिंग। मैं वापस जीत गया। सो लाइक अगेन यू लॉस। अपने हार का रिकॉर्ड कब लिखवाओगे गिनीज बुक में? और एक राउंड का हार चख लो। छोटा गेम करना, छोटा छोटा एकदम 5 कार्ड्स मैक्स। कोने में जाकर रोने का दिल कर रहा है बिकॉज मैं हार गया। बट इट्स ओके गाइस, गेम है सो इट विल हैपन। कभी आप हारोगे कभी जीतोगे, दैट्स लाइक लाइफ। बहुत ज्ञान दे दिया मैं। गाइस 20 मिनट्स हो चुके हैं, एज यू कैन सी इट्स क्वाइट स्ट्रेटन राइट नाउ एंड नाउ अभी मैं जाकर वॉश करूंगा एंड विदाउट एनी थिंग। सो यू हैव टू वॉश इट जस्ट विथ वॉटर। सो लेट्स जस्ट वॉश इट। एज यू कैन सी मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया नॉर्मल वाटर से and then it's quite straight right now. My hair is quite straight and it looks really good. But अभी last दो और step है जो कि है apply the second cream, that is the straightening cream. This one, so if you can see it in the camera, I'll just keep focus on this. Yeah, this is the one. So this is this neutralizing straightening cream. So we have to apply this one. एंड उसके बाद आई जस्ट शो यू द फाइनल रिजल्ट। बट बिफोर वी गो टू द सेकेंड स्टेप मुझे अपने बालों को ड्राई करना पड़ेगा विद टॉवल एंड देन आई यूज द हेयर स्ट्रेटनर। उसके बाद आई जस्ट स्ट्रेटन इट विद दिस स्ट्रेटनर जो मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था एंड आई जस्ट ऑर्डर्ड ब्लैक वन बट फ्लिपकार्ट गेव मी पिंक कलर। नो गॉड प्लीज नो नो नो। चलो मैं पहले अपने बालों को ड्राई करता हूँ and then we'll start with the second process guys. Yeah, yeah.
गाइस अभी मैं वॉश करके आ चुका हूँ, एंड एज यू कैन सी बालों की कंडीशन इट्स लाइक अ बिट स्मूदर एंड देन बहुत ही अच्छा लग रहा है. सो आई एम जस्ट गोना ड्राई इट विथ ये गमछा एंड देन विथ द ड्रायर एंड देन अच्छे से स्ट्रेटन करना है. दिस टाइम इट्स नॉट गोना बी हल्का हल्का वाला, यू हैव टू स्ट्रेटन इट प्रॉपरली. धीरे धीरे करने से नहीं होना है. As you can see, मेरे बालों की कंडीशन बहुत ही अच्छी लग रही है एंड देन इट्स वेरी स्मूथ, बहुत ही स्मूथ हो चुके हैं एंड मैनेजेबल. अभी मैं इसके ऊपर सेरम लगाऊंगा एंड देन जस्ट कीप इट. उसके बाद बेसिकली आप लोगों को 3 दिन तक लगभग कुछ हेयर प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं. सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम एनी हेयर प्रोडक्ट्स, दैट्स माय सजेशन. अभी मैं लंच करके फिर लेट्स गो आउट टुगेदर एंड देन विल जस्ट गो अराउंड नियर दिस गोल्फिंग साइट एंड देन आई विल जस्ट शो यू द गोल्फ कोर्स. जिन्होंने नहीं देखा है बेसिकली शिलोंग, जो पहले नहीं आए हैं या फिर आने की इच्छा है, तो यू मस्ट कम एंड विजिट गोल्फ लिंक्स. इट्स वन ऑफ द मेन हब्स और हॉटस्पॉट्स, टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स इन शिलोंग. सो या आई जस्ट टेक यू गाइज देयर एंड देन देयर विल जस्ट स्पेंड सम गुड टाइम एंड देन विल जस्ट एंड द वीडियो ओवर देयर गाइज. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप. सो या गाइज अभी मैं लंच करके आ चुका हूँ एंड देन रोहित इज़ विद मी. वी आर गोइंग टूवर्ड्स गोल्फ लिंग एंड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स दैट. एंड यहाँ पास ही में एक चर्च है, यस दिस कैथोलिक चर्च इज रियली ब्यूटिफुल दो. सो इफ यू कम गोल्फलिंग यू शुड विजिट हियर एज वेल. सो चलिए अभी गोल्फलिंग का नज़ारा दिखाते हैं एंड आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो अबाउट दिस होल लोकेशन इन शिलोंग वेरी सून. सो कीप वेटिंग फॉर दैट एंड डू सब्सक्राइब सो दैट यू नो व्हेनेवर आई अपलोड वीडियोज यू विल गेट द नोटिफिकेशन ASAP. और या let's go towards golf links. When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. सो या गाइस हमने तो घूम लिया बहुत ही, ऑफकोर्स हम हमेशा घूमते हैं, ऑलमोस्ट साल में कितनी बार का आना जाना हो जाता है, वंस अ वीक हो ही जाता है हमारा ये जगह, क्योंकि ये घर के पास भी है और लाइक यू नो यहाँ पर चिल टाइम मिलता है अपने को. सब लोग आके खेल सकते हैं, यू कैन जस्ट सिट, जस्ट कुछ भी यार, कोई रोकने वाला टोकने वाला है नहीं. जस्ट डोंट डू बैड स्टफ, दैट्स इट. अदर देन दैट राइट नाउ ये शाम होने वाला है, सनसेट हो जाएगा, तो घर की तरफ निकलेंगे. सो आई एम गोना एंड दिस वीडियो राइट नाउ एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. जय हिंद. Standing up, everybody's gonna see.